असम से होने के बावजूद मेरा परिचय, मेरा अस्तित्व, सांस्कृतिक जो अस्तित्व है वो उत्तर प्रदेश और बिहार खासकर पूर्वांचल से जुड़ा हुआ है। और भोजपुरी गायिका कल्पना के नाम से मैं ज़्यादा, मुझे ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली या फिर आशीर्वाद स्वरूप लेती हूँ इस बात को। भोजपुरी गाते गाते तमाम अलग अलग मोड़ से होते हुए, जैसे मैं किशोरी अवस्था से जवां हुई और धीरे धीरे एक उम्र की एक अलग पड़ाव में हूँ, मुझे 10 साल लगा भोजपुरी की एक तरह से जो आम शब्द में अगर बोलूँ, जो जड़ है, जो रूट्स, जो रूट म्यूजिक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए। और मैं मानती हूँ कि भिखारी ठाकुर भोजपुरी साहित्य या संगीत की एक तरह से, अगर भोजपुरी रूट्स की बात करें तो भिखारी ठाकुर जी का नाम लेना ही पड़ेगा। और संगीत को असम में भूपेन हजारिका जी को जैसे मैं आदर्श मानती हूँ, संगीत को भोजपुर में भिखारी ठाकुर जी ने भी समाज परिवर्तन की एक आहिला स्वरूप संगीत को लिया उन्होंने और उन्होंने करके भी दिखाया रंगमंच और लोक गायन के माध्यम से। हमारे भारतवर्ष में स्त्रियों को अगर मैं बखान करूँ अलग अलग रूपों को, तो गंगा एक नदी नहीं है, गंगा जैसे एक चरित्र है, एक अस्तित्व है। तो गंगा जी गंगा नहीं कहा जाता, यहाँ गंगा जी कहा जाता है। भिखारी ठाकुर जी ने किस तरह से गंगा स्नान नामक नाटक में कैसे गंगा जी से एक तरह से आत्मकथन उन्होंने किया है, दो लाइन में उनको श्रद्धांजलि स्वरूप देके गाना चाहूंगी। गंगा जी हो
Thank you.